आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, दिल लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में करवाने जा रही हूँ। नाउन की डेफिनेशन, नाउन मतलब संज्ञा, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। तो हम करेंगे संज्ञा की परिभाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। N-O-U-N, noun, संज्ञा। Noun is the name of a person, place, thing, animal or feelings. For example, Jacob, Tina, London, Delhi, Loyal, etc. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे जैकब, टीना, लंदन, दिल्ली, शेर आदि। तो ये थी नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में। डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में परिभाषा। नाउन इंग्लिश में, हिंदी में संज्ञा। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, पी आर ओ पी ई आर, प्रॉपर, एन ओ यू एन, नाउन, प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, सी ओ एम एम ओ एन, कॉमन, एन ओ यू एन, नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, सी ओ एल एल ई सी टी आई वी ई, कलेक्टिव, एन ओ यू एन, नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, एम ए टी ई आर आई ए एल, मटेरियल, एन ओ यू एन, नाउन, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या फिर परिमाणवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए बी एस टी आर ए सी टी, एब्स्ट्रैक्ट, एन ओ यू एन, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, और थे काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के भेद विस्तार से करवाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस चैनल पर मैं आपको आसान भाषा में हिंदी व्याकरण समझाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जी।